नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह पटेल, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आइए आज हम जानते हैं मलेरिया के बारे में, यानी मलेरिया क्या होता है और साथियों क्यों होता है। आपने इसका अनुभव किया होगा, चाहे किसी न किसी को देखा ही होगा कि मलेरिया क्या होता है। तो साथियों इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों मलेरिया जो है कि आम तौर पर हमेशा बुखार जो है, यानी मलेरिया का जो बुखार है सर्दी लगकर चढ़ता है, यानी कि आपको बहुत कंपकपी होगी, ठंडक होगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि जब मलेरिया का बुखार चढ़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है, आप कंबल यानी कि कई ठो कंबल ओढ़ लेते हैं तो भी आपको ठंडक जाती नहीं है, ठंडक लगती है। साथियों उसके बाद पसीना आकर उतर जाता है, यानी कि पसीना खूब होएगा, जब पसीना खूब हो जाएगा तो फिर बुखार उतर जाएगा, यही इसके लक्षण होते हैं। साथियों अधिक दिन तक मलेरिया रहने से साथियों जिगर में कहे तो लीवर में सूजन हो जाती है। साथियों जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो माइल्ड हिपैटोमिगैली दिखाता है, तो साथियों जो माइल्ड हिपैटोमिगैली है वो अक्सर करके टाइफाइड का अगर बुखार हो गया तो भी, मलेरिया का बुखार हो गया तो भी, तो स्वेलिंग हो जाती है। तो साथियों ये हो गए इसके लक्षण, और उसके साथ साथ साथियों मैं बता दूं जो मलेरिया का जो आपका मच्छर होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी होता है साथियों, और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम भी होते हैं, और ये सब जब मच्छर काटते हैं तो आपको बुखार होता है और वो ठंडक लग के बुखार चढ़ता है। तो साथियों बुखार यदि इसके साथ साथ साथियों चलिए अब मैं होम्योपैथिक दवाओं की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ घरेलू उपाय। साथियों दो घरेलू उपाय हैं जो आप ध्यान से सुनिए। साथियों सबसे पहला है लहसुन। साथियों जो लहसुन होता है, कहते हैं कि यदि मलेरिया नित्य निश्चित समय पर आता हो, यानी कि जैसे कहने का मतलब शाम के टाइम चाहे किसी टाइम, एक टाइम यदि रोज उसी टाइम आ रहा है साथियों, तो जो लहसुन होता है साथियों आपने देखा होगा गार्लिक, गार्लिक माने लहसुन। साथियों लहसुन को जो है कि आपको लगाना है, कहाँ पे लगाना है, हाथ के नाखून पे प्लस यहाँ पे हाथ के नाखून पे और पैर के नाखून पे। साथियों उसको पीस लीजिए, महीन सा पीस लीजिए, जब बुखार आपको शाम को चढ़ता है उससे थोड़ा पहले आप लगा लीजिए, यानी दोनों हाथ के नाखून पे पैर के नाखून पे लगा लीजिए, और उसके साथ साथ उसका रस निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा कूट के उससे रस भी निचोड़ लीजिए। जब आप रस निचोड़ लेते हैं साथियों तो उस रस को मैं आपको बता दूं जीभ पर टपकाना है, यानी कि दो बूंद अगर आप जीभ पर टपका लेते हैं, चाहे 10 बूंद, यदि 10 बूंद टपकाते हैं तो और बेहतर है, लेकिन साथियों इसका कुछ रस अगर जीभ पे टपकाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है, यानी मलेरिया धीरे धीरे ठीक होने की तरफ बढ़ जाता है। साथियों उसके बाद दूसरा घरेलू नुस्खा है साथियों तुलसी। साथियों तुलसी आप सभी लोगों ने, हमने, चाहे किसी ने, सब लोगों ने देखा होगा कि तुलसी क्या होती है। साथियों तुलसी के सेवन से सभी प्रकार के ज्वरों का नाश होता है, यानी कि कहें तो सभी प्रकार का बुखार जाता है, लेकिन मलेरिया में बहुत अच्छा काम करता है। साथियों इसको जो है कि 20 से 22 या 24 पत्ते को लेकर आइए और उसको आप अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीसने के बाद साथियों उसमें आप 20 पीसी हुई काली मिर्च भी डाल दीजिए, यानी कि 20 पीसी हुई मिर्च भी डाल दीजिए, उसके साथ उसको उबाल दीजिए। उबालने के बाद यानी कि आप यदि एक पाव पानी लेते हैं साथियों तो उसका आधा पानी जल जाए, आधा बचे, तो उसको चुस्कियां लेके आप पीजिए, जिससे कि मलेरिया आपकी धीरे धीरे चली जाएगी। तो साथियों ये हो गया दो घरेलू नुस्खे। उसके बाद मैं आपको बता दूं अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। साथियों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एपिकाक के बारे में। साथियों यह है एपिकाक। इसका लक्षण होता है साथियों कि बुखार 9 बजे से 11 बजे तक रात के समय होता है, यानी कि रात के समय होता है, सर्दी थोड़ी सी लगती है और बुखार ज़्यादा देर तक रहता है, यानी कि कहें तो बुखार बहुत लंबा समय तक रहता है और सर्दी थोड़ी थोड़ी लगती है, यानी कि ठंडक थोड़ी थोड़ी लगती है। सिरदर्द जैसे लगता है साथियों कि फट जाएगा, यानी कि ये जो सरदर्द होता है लगेगा कि जैसे सरदर्द होने के कारण सर हमारा फट जाएगा, तो उस टाइम आपको एपिकाक देना है, और उसके साथ साथ प्यास न लगे और जी मिचलाए, उल्टी आए, तभी आप ये सब लक्षण को आप देख लीजिए। सिरदर्द के साथ साथ आपको जी मिचला रहा है, उल्टी आ रही है, तो आपको एपिकाक यूज करना है, जो कि मलेरिया में बहुत अच्छा काम करता है। साथियों दूसरी दवा आती है, ये देखिए नक्स भूमिका। साथियों यह है नक्स भूमिका। साथियों यदि सुबह बुखार 8 बजे
से दोपहर तक रहे, यानी कि सुबह से लेकर दोपहर तक रहे, अंदर से अत्यधिक सर्दी महसूस हो, यानी कि अंदर से अत्यधिक सर्दी महसूस हो, रोगी हर समय कपड़ा ओढ़ना चाहता है, यानी कि हमेशा वो सोचता है कि कुछ ना कुछ लपेटे रहे, उसको ठंडक लगती है। साथियों सुबह के समय जी मिचलाता है, इसमें जो है कि सुबह के समय जी मिचलाता है तो उस टाइम आपको नक्स भूमिका देते हैं साथियों, नक्स भूमिका देंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। साथियों उसके बाद की दवा आती है आपकी, ये देखिए आर्सेनिकम एल्बम, साथियों ये है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम भी बहुत ही अच्छा काम करती है साथियों, लेकिन इसके लक्षण हैं कि दिन में 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे के बाद, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद रात तक 12 बजे तक बुखार रहता है साथियों। उसके बाद कपकपी बुखार और पसीने अनियमित होते हैं, यानी कि पसीना और जो कपकपी लग के बुखार आता है वो अनियमित होते हैं, यानी नियमित नहीं होते हैं, एक साथ एक जैसे हमेशा नहीं रहते हैं, बीच बीच में होते रहते हैं। साथियों पसीना आने से रोगी आराम मिलता है, यानी कि पसीना आने से रोगी को आराम मिल जाता है, तो उस टाइम आपको आर्सेनिकम एल्बम देना है। थोड़ी थोड़ी पानी की प्यास की इच्छा होती है साथियों, इसका मुख्य लक्षण यही है कि पेशेंट जो होता है बुखार में भी थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, उसका मुंह सूखता है और वो दो घूंट पानी पिएगा फिर रख देगा, फिर उठाएगा दो घूंट पिएगा फिर रख देगा, तो साथियों उस कंडीशन में आपको आर्सेनिकम एल्बम यूज करना है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। साथियों उसके बाद की दवा आती है आपको, ये देखिए कैल्केरिया कार्ब, साथियों यह है कैल्केरिया कार्ब। साथियों कैल्केरिया कार्ब सर्दी के, साथियों कहते हैं कि सर्दी के दिन में, यानी कि जब सर्दी का दिन हो, तो यानी कि जब सर्दी का दिन इस टाइम जो नवंबर का महीना चलता है, दिसंबर जनवरी, तो इस टाइम साथियों सर्दी के दिन में अगर बुखार आता है और वो भी 2 से 3 के बीच में, यानी कि 2 बजे से लेके और 3 बजे के बीच में अगर बुखार लगता है और सर्दी के साथ साथ बुखार भी होता है, यानी सर्दी भी लगती है और उसके साथ साथ बुखार भी चढ़ा रहता है, पैर ठंडे रहते हैं, उसका पैर अगर टच करें तो लगता है कि पैर उसका ठंडा है और सिर पर ज़्यादा पसीना आता है साथियों, उसका मेन लक्षण यही है कैल्केरिया कार्ब देने का कि सर पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, यानी कि वो पसीने से तरबतर हो जाता है। कैल्केरिया का जब पेशेंट होता है मोटा थुलथुला भी होता है और उसके साथ साथ उसके सर पे जो है कि पसीना बहुत ढेर सारे पसीने आते हैं, यानी कि उसका माथा हमेशा भीगा रहता है और बुखार भी चढ़ा रहता है, उसके साथ साथ उसको ठंडक भी लगती है, ठंडक लगने के साथ साथ भी उसको पसीना होता है, तो साथियों उस टाइम आपको कैल्केरिया कार्ब देना है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन कैल्केरिया कार्ब को साथियों 200 पोटेंसी में देना है, बाकी सभी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई इसके पहले साथियों ईपी का, नक्स भूमिका, आर्सेनिकम एल्बम, ये सभी को 30 CH में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम या फिर 2-2 घंटे पे भी दे सकते हैं 2 दिन तक, फिर उसके बाद आप सुबह दोपहर शाम दीजिए। लेकिन साथियों जो कैल्केरिया कार्ब होता है, कैल्केरिया कार्ब यदि पसीना ज़्यादा आता है तो उस टाइम देना है, लेकिन आप कैल्केरिया कार्ब को सुबह दोपहर शाम, यानी 200 CH में सुबह दोपहर शाम पहले दिन दे के फिर आपको सिर्फ एक बार देना है, यानी कि कैल्केरिया कार्ब की सिर्फ एक खुराक रोज एक बार देनी है, जिससे कि धीरे धीरे करके मलेरिया का बुखार कम होने लगता है और मलेरिया धीरे धीरे ठीक हो जाता है। साथियों यदि बहुत तेज बुखार हो, यानी कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो और बुखार भी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जिसे हाई ग्रेड का फीवर बोलते हैं, यानी हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं, तो साथियों उस टाइम कोई भी कपड़ा भिगो के, यानी कि अच्छे से कपड़ा साफ हो और उसको भिगो के माथा की पोछाई करनी चाहिए, हाथ पैर की पोछाई करनी चाहिए, साथियों पीठ और सीने को नहीं पोंछना चाहिए, यानी कि ये ध्यान देना है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े लोग हों, उसका पेट चाहे चेस्ट जो होता है, यानी कि जो चेस्ट होता है यहाँ चेस्ट, चेस्ट को नहीं उससे यानी कि पोंछना चाहिए, केवल उसका जो है कि माउथ, पूरा जो है कि माउथ यानी कि पूरा फेस, फेस को लेके पूरा यहाँ तक, फिर उसके बाद हाथ को, दोनों हाथ को और पैर को साथियों पोंछिए। यदि बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है तो फिर आपको पोंछना बंद कर दीजिए, और लेकिन जब उस टाइम जब बुखार तेज चढ़े तो ये आप उपाय जरूर करिएगा। तो साथियों ये हो गए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो कि आप खुद दवा लेके आके खुद ही आप यूज कर सकते हैं। साथियों इसके लिए मैं आपको अब बता दूँ कि चलते चलते साथियों ये दवाएँ जितनी भी हैं चारों दवाएं मैं आपको लगा देता हूं, उसको देख लीजिएगा यानी पढ़ भी लीजिएगा साथियों। तो साथियों बस इतना ही, चलते चलते मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों बस इतना ही, जय हिंद साथियों, बाय बाय, धन्यवाद।